सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, प्यार का सागर, सर्वशक्तिमान बाबा, साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को फरिश्ता बनाने वाले। आज बाप दादा अव्यक्त वाणी में कह रहे हैं, संगम युग का उत्सव युग है, उत्सव मनाना, अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। तो बाबा कहते हैं, आज त्रिदेव रचिता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इस विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते क्योंकि बाप अवतरित होते हुए भी इस कोड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने आए हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं, जो हीरे से भी अमूल्य है, सबको सामने देख रहे हैं। बाबा बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की शोभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की शोभा है। सबके लिए दिल की मुबारक के स्नेह भरी गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट हम तक पहुंच रहा है। तो बाबा कहते हैं, अविनाशी है या आज के लिए है जो उमंग उत्साह में बैठे हो, अविनाशी है, इसीलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगमी को उत्सव युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। बाबा कहते हैं, जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं हम, क्योंकि एक बाप हैं। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, चाहे भारत से कहीं कोने में से आए हो, बाबा कहते हैं लेकिन दिल में तो एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, एक श्रीमत पर, तो बाप दादा को अच्छा लगता है। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। अब यही काला ताज बदल कर गोल्डन से जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोले और बोल रहे हैं, बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है तो अनेकता में एकता हुआ ना। तो अगले तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। पहले भी बाबा कहते, मैंने सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाए। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उत्साह उमंग के लिए, और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते, वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा तो ये भाषा, और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए,
तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल निकलते हैं। और ऐसे बोल कौन से होते हैं? कमजोरी के बोल। तो बाबा कहते हैं सदा वाह वाह कहो और वाई वाई को सदा के लिए विदा दो। कभी वाई वाई नहीं कहना। क्यों, क्या, कैसे? अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। तो इसलिए बाप दादा अगले साल भी विशेष डबल फर्नेस को कहा था, बाबा को याद है, वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जो वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो, तो वाई खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी व बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना, जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं, मग्न हो जाना है। इसलिए बागत बचपन के दिन भुला ना देना। तो वाई की जगह क्या, क्यों की जगह सदा उड़ना उड़ाना, मतलब उमंग उत्साह में रहना है। अभी अभी यह करेंगे कहेंगे, और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है, तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर लो, वाह वाह वाह, तो नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। तो आज बाबा खास कह रहे हैं डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हैं, विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, अपने को भी कराते हो या सिर्फ दूसरे को कराते हो, खुद ही टीचर बन करके अपने को यह कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरे को करा सकते हो। तो बाबा कहते हैं क्या क्यों से परे अब उड़ना उड़ाना है। आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती, अब नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना सोचना व बोलना या करना। अगर हलचल में आते हो तो भागते ना सोचो ना देखो ना बोलो ना करो। साइलेंस के पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि क्या होना चाहिए, संपूर्ण पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे, मतलब सेकंड में परिवर्तन हो जाए, ऐसा तीव्र गति पुरुषार्थ करना है। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए जो सदा उड़ना उड़ाना का अनुभव हो। तो बाबा खास करके मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए डबल विदेशी, इसलिए बाबा खास करके हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि हाई जंप लगाकर मधुबन पहुंच गए हो, ये उड़ती कला की निशानी है। तो आज सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेले से मुक्त भवो। जो भी समस्या आते हैं, जो भी विघ्न आते हैं, उनसे मुक्त बनने के लिए संपूर्णता और संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करना है। बाबा कहते हैं संगम एक पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं, इसी समय नदी और सागर के सामने का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं वो सर्व झमेले से मुक्त हो जाते हैं, सर्व झमेलों से। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वो संपूर्णता और संपन्नता की
प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल की प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण फरिश्ता, संपूर्ण खजानों से भरपूर आत्मा, सर्व झमेले से मुक्त आत्मा, उड़ता फरिश्ता उमंग समय भरपूर आत्मा। तो आज के अव्यक्त वाणी को और गहराई से चिंतन करते हुए अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए निरंतर योग में रहना है कि एक बाबा दूसरा ना कोई, और मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वाह वाह वाह, मेरे सामने जो भी नजारा आता है वाह वाह वाह, हाय हाय नहीं करना है, वाह वाह करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति।